हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एस ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से 3 नंबर जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका पोइट कौन है? पाब्लो नेरुडा। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बी एस ट्यूशन क्लास को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नया नया जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले ये वीडियो आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोइट पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा इज द पेन नेम ऑफ नेप्ताली रिकार्डो रेइस बसाल्टो। तो देखिए, पाब्लो नेरुडा जो है ये एक पेन नेम है, निक नेम है ये, ठीक है। और इनका ओरिजिनल नाम क्या है? नेप्ताली रिकार्डो रेइस बसाल्टो, ठीक है। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। ठीक है, इनका पेरल में जन्म हुआ था, चिल में। नेरुडास पोएम आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेज हुईज मेक दम सो लेस ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, उनका जो पोएम होता है बिल्कुल समझने में एकदम ईजी होता है और मेक दम नो लेस ब्यूटीफुल। तो देखिए, सबसे पहले मेक दम ब्यूटीफुल, नो लेस को अगर छोड़ देते हैं तो क्या रह जाता है? मेक दम ब्यूटीफुल, और वही उनका पोएम को एकदम ब्यूटीफुल बना देता है, ठीक है। ही ऑन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। और उन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी जीता है 1971 में। इन दिस पोएम नेरुडा talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human being। तो यहाँ पर देखिए, ये poem किसके ऊपर है, ये last 3 line ये बताते हैं। क्या है poem? ये poem है necessity of quiet introspection, मतलब ये poem बताता है अंतर्दर्शन, अपने मन के अंदर का भाव, ठीक है। creating a feeling of mutual understanding among human being। और ये poem में आपको ये पता लगेगा कि हम जो ह्यूमन बींग है एक दूसरे को समझना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को समझना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। सबसे पहले क्या है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो हम काउंट करेंगे, कितना? 12 तक काउंट करेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे? साइलेंट हो जाएंगे, एक चू आवाज़ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 12 मतलब या फिर 12 महीना में हो सकता है, 12 मिनट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 12 सेकेंड भी हो सकता है। तो जो भी हो, यह पर यह कहा गया है कि हम 12 तक काउंट करेंगे और आप सभी को चुप हो जाना है, साइलेंट हो जाना है, ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो चलो, इस दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया में सबसे पहले बार ऐसा होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी लैंग्वेज में बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई भी लैंग्वेज में बातचीत करेगा ही नहीं, हर व्यक्ति साइलेंट रहेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलिए एक सेकेंड के लिए हम चुप हो जाते हैं। लेट्स एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और चलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो आर्म्स है वो हम मूव नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर आर्म्स का मतलब वही है, वेपन, मशीन वगैरह, ठीक है, और आपका बॉडी पार्ट भी बोल सकते हैं। हम टोटली एकदम साइलेंट हो जाएंगे, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, हमारा आर्म्स मूवमेंट नहीं करेंगे, हमारा मशीन वगैरह ये सब नहीं चलाएंगे। दुनिया में सबसे पहला बार चलिए ऐसा करते हैं। तो उसके बाद देखिए, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन्स। तो ये क्या होगा, एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, मतलब एकदम स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, अजीब घटना होगा। क्या होगा? विदाउट रश विदाउट इंजिन्स, ना कोई भागादौड़ होगा, ठीक है, विदाउट इंजिन, ना कोई इंजन चलेगा, ना कोई व्हीकल चलेगा, ना कोई गाड़ी चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ रहेंगे इन ए सडन स्ट्रेंसनेस। ये जब ये अजीब जब घटना घटेगा, हर कोई व्यक्ति अगर चुप हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम सब एक हो जाएंगे। देखिए, ये जो पहले बार बताया गया ना, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या करते हैं हमें, लैंग्वेज हमें डिवाइड करता है, ठीक है। कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई आसामीज बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। ये लैंग्वेज हमें क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे ही नहीं, कोई भी भाषा बोलेंगे ही नहीं, तो हम डिवाइड कैसे होंगे, हम तब एक साथ एक हो जाएंगे ना। तो ही बताया गया है कि अगर हम अगर ऐसा करेंगे, हम चुप हो जाएंगे, ना कोई भागादौड़ी करेंगे, ना कोई लड़ाई करेंगे, सिर्फ साइलेंट हो जाएंगे, तब हम क्या हो जाएंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। और जो फिशरमैन है, मछुआरे जो है, वो सागर से क्या नहीं करेंगे, जो मछली है उनको नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ पर मीनिंग यही है कि कोई भी व्यक्ति एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा, मारेगा नहीं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, और जो व्यक्ति नमक निकालता है सागर से, वो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, काम रोक देगा और अपने हाथों को देखेगा, जिस हाथों से नमक निकलता है, जिस हाथों को चोट लगा है, वो हाथों को थोड़ा सा
शांत करेगा, काम थोड़ा सा स्टॉप करेगा, तो क्या होगा, हम एक साथ एक हो सकते हैं, ठीक है, ये दुनिया थोड़ा सा बदल सकता है, झगड़ा कम होगा, ठीक है। तो शायद ये जो पहला पेज है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा था कि हम 12 ये कम से कम 12 काउंटिंग करने तक हम उसके बाद क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी लैंग्वेज में बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी मशीन वगैरह वेपन वगैरह हम नहीं चलाएंगे, भागादौड़ी नहीं करेंगे, इंजन नहीं चलाएंगे, ठीक है। हम तब हम क्या हो सकते हैं, एक साथ हो जाएंगे, हर कोई व्यक्ति इक्वल होगा, ठीक है। इंसान क्या करेगा, एनिमल्स को नहीं मारेंगे, ठीक। और जो लोग है जो नमक निकालते हैं वो कुछ देर के लिए काम को रोक कर चुप हो जाएंगे। ये लाइन समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्टोरी विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो यहाँ पर क्या बोला, जो लोग प्रिपेयर विद ग्रीन वार्स, जो लोग मतलब ग्रीन वार के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो पेड़ पौधे को काटना, डिफॉरेस्टेशन करना, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, ठीक है। तो उन लोगों को कह रहा है कि जो लोग ये पेड़ पौधे को काटता है, ग्रीन वार्स करते हैं, वार्स विद गैस, जो लोग गैस से वार करते हैं, पॉइजनस गैस से वार करते हैं, जो लोग फायर से वार करते हैं, ठीक है, मशीन से, बंदूक से, बॉम्ब से, विक्टोर विथ नो सर्वाइवर्स, और ऐसे वार से तो विक्टोरी तो मिल जाता है, लोग जीत तो जाते हैं लेकिन कोई ज़िंदा नहीं रहते, तो ऐसे विक्टोरी का क्या मज़ा, ऐसे विक्टोरी हमको क्यों चाहिए, ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको नया कपड़ा पहनना चाहिए, ये सारे चीज़ें भूलकर, ये सारे वार्स को भूलकर हमको नया कपड़ा पहनना चाहिए, नया सोच लाना चाहिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हमारा जो भाई है, ब्रदर्स का मतलब है जो दुश्मन, ठीक है, हमारा जो दुश्मन है उन लोगों के साथ एक साथ बैठो, ठीक है, साई के नीचे बैठो और कुछ मत करो, टोटली साइलेंट हो जाओ, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, तो यहाँ पर क्या बोला कि मैं जो कह रहा हूँ इससे कन्फ्यूज मत होना कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, मेरा मतलब ये नहीं कि टोटली इनएक्टिविटी हो जाए, हर कोई चीज़ स्टॉप हो जाए, मेरा मतलब ये नहीं था। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ तो वही है, ठीक है, लाइफ का मतलब ही होता है एक्टिविटी। तो उसके बाद बोला है कि आई वॉन्ट नो ट्रैक विथ डेथ, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मर जाए, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि लोग मर जाए, ठीक है, मैं ये नहीं बोलना चाहता। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते तो कितना अच्छा होता। हम सिंगल माइंडेड क्यों है, हमारा दिमाग में बस यही चलता रहता है, क्या चलता रहता है कि मैं मर जाऊँगा तो, ठीक है, हमें मरने से पहले बहुत कुछ करना चाहिए, हमें सक्सेस होना चाहिए, हमारे माताजी पिताजी को देखना है, ये जो टेंशन है, ठीक है, ये हमारा माइंड सिर्फ इसके ऊपर ही चलते रहता है, काम करते रहता है। अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ठीक है, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए साइलेंस हो जाना चाहिए, ठीक है, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, इसीलिए हमको मन को शांत रखना चाहिए, कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और हमारे मन में जो इतना सैडनेस से भरा है, दुख है, इस दुख को काटने के लिए बस एक बड़ा सा साइलेंस का ज़रूरत है, of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो हम क्या है, हम खुद को ही समझ नहीं पाते बेसिकली, of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब मरने से डरते हैं, हम खुद को ही अच्छे तरह से पहचानते नहीं हैं, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, ठीक है, अपने मन को थोड़ा सा, मन में थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है, और लास्ट में देखिए, perhaps The earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. और ये दुनिया से, इस पृथ्वी से हमें एक बात तो सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए कि लगता है कि दुनिया मर गया है और तब जाके वापस लगता है कि हाँ दुनिया तो जीवित है। कैसे पता लगता है, जैसे देखिए जब सुबह होता है क्या लगता है, हाँ हम जीवित हो चुके हैं, ठीक है, सुबह लग होता है तब क्या होता है, फूल खिलता है, सूरज उगता है, और जब रात हो जाता है क्या लगता है, जैसे हर कोई चीज़ मर चुका है। तो रात होता है फिर से सुबह भी होता है, उसी प्रकार ठंडा दिन, ठंडे का मौसम आता है जब पत्ता पौधे जितना सारा है ऐसा लगता है कि हर कोई डैम हो चुका है, मर चुका है, लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है
रिश्ते के समार आता है, तब देखिए हर एक पेड़ पौधे खिल उठता है। तो हमको ये सीखना चाहिए दुनिया से कि जिंदगी मरने के बाद भी ज़िंदगी वापस आता है, ठीक है, मरने के बाद भी ज़िंदगी वापस आता है। तो मरने से मत डरो, हार के बाद तो जीत है ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो हम फिर से वापस 12 तक गिनेंगे और हम सभी क्वाइट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा, तुम लोग ये कंटिन्यू करते रहना, ठीक है, दूसरों को भी बताना ऐसा करे लोग, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है ये पोएम, बहुत ही मज़ेदार है और ऐसा करना चाहिए। और कोरोना के माहौल में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हर एक चीज़ स्टॉप हो चुका था, हर एक चीज़। जब पहले कोरोना आया था दुनिया में, तो लोग इंसान अपने घर से बाहर, ठीक है कोर्टयार्ड में भी नहीं निकलते थे, रास्ते में भी नहीं निकलते थे। तो उस समय क्या हुआ था, पोल्यूशन इतना कम हो चुका था, गाड़ी वगैरह व्हीकल्स नहीं चलाता, टोटली इनएक्टिविटी हो चुका था। तो उसी के बारे में बताया गया है, आप वही मतलब कंपेयर कर सकते हैं टोटली कोरोना से, कोरोना आने के बाद टोटली इनएक्टिविटी हो चुका था। तो उसी के बारे में बोला गया है कि थोड़ा सा इनएक्टिविटी हो तो अच्छा है, ठीक है, थोड़े देर के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए, ताकि लोगों के अंदर लोग थोड़ा सा रियलाइज़ कर सके, अपने मन के बारे में स्टडी कर सके, ठीक है, अपने मन को शांत कर सके, अपने जो सैडनेस का जो पर्दा है उसको हटा सके, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है, थैंक यू सो मच।